अर्जीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष। साथ ही डॉक्टर कहते हैं माफिया और थर थर कांपते थे। शराब से लेकर पास फेल का धंधा, घूस वसूली और चंदा। कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और फिर हत्या को लेकर एक बेहद चौंकाने वाला और डरावना खुलासा हुआ है। यह खुलासा पूर्व प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष को लेकर हुआ है। संदीप घोष के बारे में आरजीकर अस्पताल के प्रोफेसर और पूर्व उपाधीक्षक डॉक्टर अख्तर अली के मुताबिक वह एक बहुत भ्रष्ट आदमी था। वह छात्रों को फील करने का काम करते थे, 20% कमीशन लेते थे। टेंडर के मामले में वह मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के हर काम से पैसे वसूलते थे और गेस्ट हाउस में छात्रों को शराब सप्लाई करते थे। उनका कहना है वह किसी माफिया की तरह है, बहुत पावरफुल है। बता दें कि डॉक्टर संदीप घोष कोलकाता कांड के बाद सुर्खियों में आया। ये नाम एक के बाद एक कई सारे काले कारनामों के कारण विवादों और कानूनी जांच में घिरता जा रहा है। संदीप घोष आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल रह चुके हैं। कोलकाता का यह वही अस्पताल है जहां काम करने वाली ट्रेनी डॉक्टर के साथ हैवानियत से बुरे कर्म को अंजाम दिया गया, जिसे सुनकर भी रूह कांप उठती है। आरोप है कि संदीप घोष का करियर भ्रष्टाचार, गैर कानूनी गतिविधियों और सत्ता के दुरुपयोग के आरोपों में घिरा रहा है। अब उनका कार्यकाल सार्वजनिक और कानूनी जांच का केंद्र बिंदु बन चुका है। कोलकाता से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर बनगांव के इस व्यक्ति ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज से ही मेडिकल की पढ़ाई कर रखी थी और 1994 में ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त की। शुरुआती शिक्षा और व्यावसायिक यात्रा काफी अच्छी रही। हालांकि डॉक्टर घोष का बाद का करियर विवादों से भर चुका है। कई शिकायतों के बाद भी दो बार इनका ट्रांसफर ऑर्डर तक पलट गया था। हालांकि इन आरोपों के बाद भी सीबीआई कड़ी से कड़ी जोड़ने में जुट चुकी है, कारण कि संदीप घोष से 13 घंटे तक की पूछताछ की गई, जिसमें संदीप घोष को लेकर कई सारे दावे किए जा रहे हैं। हालांकि अब आने वाले समय में संदीप घोष कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि इस पूरे मामले से जोड़कर देखा जा सकता है। अगर संदीप घोष के द्वारा कोई ऐसा खुलासा होता है तो इससे कहीं ना कहीं जांच में अहम सबूत और जांच को लेकर जो तमाम तरीके के दावे किए जा रहे हैं उनके खुलने तक की नौबत आ सकती है। आपको बता दें कि कोलकाता केस के बाद से पूरे देश भर में गुस्सा है और अमूमन ऐसा ही गुस्सा हर कांड के बाद देखा जाता है। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि फिर ऐसे मामलों पर अचानक से चुप्पी क्यों साध दी जाती है, और जैसे ही ऐसे कोई मामले होते हैं फिर खामोशी अपने आप में क्रूर हो जाती है। बहरहाल इस खबर पर आप अपनी टिप्पणी कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।